गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि एक इलास्टिक बॉडी है जो कि टेंसाइल स्ट्रेस एक्स को सब्जेक्टेड है किसी डायरेक्शन में, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस वाई को सब्जेक्टेड है, और एक्स और वाई दोनों अनइक्वल है। तो हमको बताना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस होगा या नहीं, अगर होगा तो क्या वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इसके लिए हम लोग मूड सर्कल बनाते हैं। मेरे पास दो केस बनेंगे। पहला केस ये है कि जब टेंसाइल स्ट्रेस जो कंप्रेसिव स्ट्रेस से ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा कि जो मूर सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन के राइट साइड होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेस 2 है, जब कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा है टेंसाइल स्ट्रेस से, इस केस में जो है सेंटर जो होगा मूर सर्कल का वो लेफ्ट साइड होगा ओरिजिन के। इट मीन्स कि टॉमैक्स वाले प्लेन पे फर्स्ट केस में भी सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, नॉन जीरो है, और यहाँ पे भी सेकेंड वाले केस में भी टॉमैक्स वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस नॉन जीरो है। ये नॉन जीरो है नॉर्मल स्ट्रेस, इट मीन्स कि दोनों टॉमैक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है नॉन जीरो है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस प्रेजेंट है। तो इसी कारण मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस किसी पॉइंट पे दी हुई है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, जिसकी की वैल्यू इतनी इतनी दी हुई है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पूछे हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी मेरे को शियर स्ट्रेन का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस का इक्वेशन हमको पता है, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया हूँ कि टॉमैक्स जो होता है आप मैक्सिमम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, ये सब का मॉड जो होता है वही होता है टॉमैक्स। तो हमको क्या करना है, जब भी अगर स्ट्रेन का क्वेश्चन आए तो टॉमैक्स को टॉमैक्स वाई को रिप्लेस कर देना है गामा एक्स वाई बाई 2 से, सिग्मा 1 को एप्सिलॉन 1 से, सिग्मा 2 को एप्सिलॉन 2 से, सिग्मा 3 को एप्सिलॉन 3, और जैसे था वैसे सॉल्व कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे टॉमैक्स है, टॉमैक्स को मैं कर दिया गामा मैक्स बाई 2 से, और सिग्मा 1 को एप्सिलॉन 1 से, सिग्मा 2 को एप्सिलॉन 2 से, सिग्मा 3 को एप्सिलॉन 3 से, और इसको सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करने पे मेरे को पता चला कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन है वो 1610⁻⁶ है। तो इससे पता चला कि मेरा ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे एप्सिलॉन 3, क्योंकि क्वेश्चन में एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दिए हुए थे, इसका मतलब एप्सिलॉन 3 के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किए हैं, तो एप्सिलॉन 3 जीरो मान लिया गया है। एप्सिलॉन 3 जीरो मान के ये क्वेश्चन बनाया। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि एक शाफ्ट है जो कि प्योर, जिसमें कि जो टॉर्शन एक्सपीरियंस कर रहा है और प्योर शियर स्ट्रेस है सरफेस पे, तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन द सरफेस विच इज एट 45 डिग्री टू द एक्सिस विल हैव अ वैल्यू, ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए मैं इसका मूड सर्कल बनाया। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि प्योर टॉर्शन है, प्योर टॉर्शन का केस में क्या बनता है, एक सेंटर एक सर्कल बनता है मूड सर्कल जो कि जिसका कि सेंटर होता है ओरिजिन पे, और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है गिवन स्ट्रेस का स्टेट कहाँ पे होगा, टॉप लेन पे होगा क्योंकि टॉर्शन है तो टॉप लेन पे होगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि टॉप लेन पे, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 45 डिग्री पे आपको देखना है नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी। 45 डिग्री प्लेन को हम मोर सर्कल पे बनाएं तो 90 डिग्री, इसका मतलब कि गिवन प्लेन से 90 डिग्री, क्योंकि हम 2 थीटा पे लेते हैं मोर सर्कल में। थीटा अगर रहता है रियलिटी में तो हम मोर सर्कल में कितना लेते हैं, 2 थीटा पे, 2 थीटा मतलब 90 डिग्री। तो गिवन प्लेन टॉप लेन था, टॉप लेन से मैं 90 डिग्री पे आया, 90 डिग्री पे मेरे को पता चला कि सिग्मा 1 किसके बराबर है, टॉ के बराबर, तो टॉ के बराबर मेरा ऑप्शन डी जो था, टॉ के बराबर ऑप्शन डी था, इसी कारण मेरा ऑप्शन डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में ये था कि और जी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ई और जी के बीच में जो रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू 2g1+μ होता है, तो ई बाई जी हो गया 2 × 1+μ, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हमको पता है ई और ई के म्यू के बीच में भी रिलेशन हमको पता है, ई के और जी के बीच में भी रिलेशन पता है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। इसी कारण ये दोनों, ये तीनों जो रिलेशन है ये हमेशा याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वन मिसेस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी। तो इसका जो प्रूफ है थोड़ा सा लंबा है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट इन माय लेक्चर, बट हम लोग इसके एक इंटरमीडिएट स्टेज से करेंगे। इसके एक इंटरमीडिएट स्टेज में ये आता है प्रूफ में कि जो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है वन मिसेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये आता है 1+μ/6c, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर, प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा जो ऑप्शन सी था वो आ जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स नंबर में ये दिया हुआ था कि एक प्रिंसिपल स्ट्रेस
प्लेन स्ट्रेस कंडीशन प्रॉब्लम है जिसमें कि सिग्मा वन और सिग्मा टू दिए हुए थे और पूछ रहे थे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी। इस क्वेश्चन में लड़के बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि ये जो प्लेन स्ट्रेस का कंडीशन है ये नहीं पढ़ते हैं। जहाँ भी प्लेन स्ट्रेस का कंडीशन आए मेरे को बस सिग्मा वन और सिग्मा टू लेना है। प्लेन स्ट्रेस मतलब कि टू डी प्लेन प्रॉब्लम है, टू डी प्लेन प्रॉब्लम है मतलब सिग्मा थ्री आएगा ही नहीं, सिग्मा थ्री आएगा ही नहीं तो मैं सिग्मा थ्री लो क्यों। तो बस बहुत बच्चे क्या करते हैं टॉमेक्स इज इक्वल टू लिख देते हैं हाफ ऑफ मैक्सिमम सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री, और सिग्मा थ्री को क्या करते हैं जीरो ले लेते हैं। अब सिग्मा थ्री जीरो लेते हैं तो उसके इसमें 50 आंसर हो जाएगा। क्या 50 आंसर सही है? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि गिवन जो है स्ट्रेस, गिवन जो है स्टेट स्ट्रेस का वो दिया हुआ है कि प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है। तो प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम में सिग्मा 3 आएगा ही नहीं तो आप सिग्मा 3 ले क्यों रहे हो, तो सिग्मा 3 होगा ही नहीं तो ये 50 कैसे होगा आंसर सही। इसी कारण 50 गलत हो जाएगा। टॉम एक्स कितना हो जाएगा हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हो जाएगा 30 मेगा पास्कल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में ये था कि एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसकी डायर डी है और वो जो शाफ्ट है वो मोमेंट एम और टॉर्क दोनों को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हमको बताना है जो ये रिलेशन है ये किसके लिए यूज होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, जैसा कि हमको पता है अगर कोई शाफ्ट एम और टी अगर दोनों को सब्जेक्टेड है तो टी इक्वेलेंट क्या होता है अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस, और एम इक्वेलेंट क्या होता है हाफ ऑफ एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और टॉमैक्स हमको पता है क्या होता है 16t अपन पाई डी क्यू। तो यहाँ पे टी की जगह हम लोग क्या लेंगे टी इक्वेलेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो शाफ्ट है वो एम और टी दोनों को सब्जेक्टेड है, तो एम वहाँ पे टी इक्वेलेंट की जगह ये ले लिए। तो ये प्रॉपर्टी जो है किसके लिए यूज हो रही है शियर यील्ड स्ट्रेंथ के लिए यूज हो रही है। तो इसी कारण हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसको, इस रिलेशनशिप को डिजाइन करने के लिए, रिलेशनशिप को सेफ रखने के लिए हम लोग शियर यील्ड स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में ये था कि सिग्मा एक्स दी हुई थी, सिग्मा वाई दी हुई थी, तो एक्स वाई दी हुई थी और किसी पॉइंट पे, और पूछ रहे थे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी। जैसा कि पूछा गया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमेशा जो होगा मोर सर्कल के रेडियस, आप कोई भी मोर सर्कल बना लो, यहाँ पे मान लीजिए ये मोर सर्कल हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, अब सेंटर ये हो गया तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगी, जो होगी जो भी होगी वो रेडियस के बराबर होगी। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है वो हमेशा रेडियस, मान लीजिए ओरिजिन पे भी है सेंटर तो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितने बराबर होगी, रेडियस के बराबर। तो हमेशा जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल के इक्वल होता है। अब रेडियस ऑफ द मोर सर्कल क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या किया सॉल्व किया, यहाँ से मेरे को पता चला कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो 111.8 है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस केस में दिया गया है कि ग्राफ को मैच करना है और फेलियर क्राइटेरियन दी हुई है, तो इसको थोड़ा सा ये तीनों फेलियर क्राइटेरियन का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, इसको रैंकिन थ्योरी भी बोलते हैं। इस फेलियर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस होना चाहिए शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और इसका ग्राफ जो होता है ये स्क्वायर होता है सिग्मा और सिग्मा टू के बीच में। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी को अब डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी को हम लोग वन मिसेस थ्योरी भी बोलते हैं। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होते हैं। और इस केस में जो देखा गया जब वन मिसेस थ्योरी से एस वाई एस और एस वाई टी का जो रिलेशन आया वो आया 0.577 आया। और इसका ग्राफ जो होता है सिग्मा और सिग्मा टू के बीच में इलिप्स होता है। और इसमें जो है वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो है कम होता है एज कम्पेयर टू शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब पूछेंगे बच्चे कि क्यों कम होता है, तो देखो जहाँ भी एस वाई एस और एस वाई टी के बीच में जो रेशियो आया 0.577 टाइम्स, ये ऑलमोस्ट सिमिलर था जो कि एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया एस वाई एस और एस वाई टी का, जो कि आया था 0.57। तो इसी कारण इसमें जो है वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी भी डक्टाइल मटेरियल के यूज करते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि सर दोनों डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते हैं तो फिर एक थ्योरी आया तो दूसरे को लाने की क्या जरूरत थी। तो जैसा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से आया कि एस वाई एस और एस वाई टी के बीच में जो रिलेशन आया वो 0.5 आया, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट से कितना था 0.57 टाइम्स था। तो जो मेरा 0.07 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, 0.07 जो एक्स्ट्रा आया ये तो वेस्टेज आ रहा है ना इस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को। तो इसी को ओवरकम करने के लिए मेरा आया था मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या वन मिसेस थ्योरी। अब जहाँ यहाँ पे जो है वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, वेस्टेज मटेरियल आप ज़्यादा यूज कर ले रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में, जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा यूज किए तो वो क्या होगा सेफर ज़्यादा होगा, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगा इस केस में। तो जैसा कि मेरे को ग्राफ पता चल चुका है तो इससे मैच करने पे जो लास्ट क्वेश्चन था ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि किसी पॉइंट पे हमको दी हुई थी कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस दी हुई थी और पूछ रहे थे कि वन मिसेस थ्योरी के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड शियर यील्ड स्ट्रेस कितनी होगी।
तो जैसा कि गिवन स्टेट ऑफ स्टेट को मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो मैट्रिक्स फॉर्म में दिए हुए हैं तो उससे हम पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट दी हुई है और कितना वैल्यू दी हुई है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कि सिग्मा एक्सेस कितनी है, टॉ एक्स वाई कितनी है, सिग्मा वाई वाई कितनी है, सिग्मा जेड जेड कितनी है, सिग्मा और टॉ वाई जेड कितनी है, टॉ जेड वाई कितनी है। जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि टॉ जेड वाई और टॉ वाई जेड जीरो हैं और सिग्मा जेड जेड माइनस, तो यही सिग्मा थ्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीरो हैं, सिग्मा वाई जेड और सिग्मा जेड वाई जीरो हैं। अगर ये जीरो नहीं होते तो क्या ये सिग्मा थ्री होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, हमको निकालना पड़ता। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई है, सिग्मा वाई दिया हुआ था, इसने मैं क्या किया है सिग्मा वन और सिग्मा टू निकाल लिया। सिग्मा और सिग्मा टू के बीच में जो रिलेशन होता है उसको यूज किया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से मेरे को सिग्मा वन और सिग्मा टू यूज कर मिल गया। अब जैसे ही ये दोनों मिल गया तो मैं वन मिसेस थ्योरी यूज किया। वन मिसेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू टू इंटू एस वाई टी बाई एन का होल स्क्वायर। जैसे ही इसको यूज किया सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सब कुछ हम निकाल चुके हैं, ये सारा डाटा मेरे को पता है, एस वाई टी हमको नहीं पता है, एन क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉन्गुएंट मान लिए हैं। और यहाँ से मेरे को पता चला कि जो इल स्ट्रेस इंटेंशन है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 27.8387 मेगापास्कल। और हमको ये भी पता है कि जैसा कि हम बताए थे जब वन मिसेस थ्योरी को डिस्कस किए थे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में ये था कि जो सीयर इल स्ट्रेस और इल स्ट्रेस इंटेंशन के बीच में जो रिलेशन था 0.577 टाइम्स का था। तो मैं क्या किया, यहाँ से मेरे को सीयर इल स्ट्रेस क्वेश्चन में पूछी थी तो वो कितना हो गया 0.577 टाइम्स ऑफ इल स्ट्रेस इंटेंशन, ये मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे। तो इसको यूज करके यहाँ से मेरे को पता चला कि आंसर होगा 16.0629 मेगापास्कल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक मेटलिक रॉड है जिसकी की लेंथ 500 mm है और डाया 50 mm की है और उस रॉड को एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया गया है 100 किलो न्यूटन का एक इंच पे, और जिसके कारण वो इंक्रीज करता, उसका लेंथ जो है 0.5 mm से इंक्रीज करता है और डायमीटर जो है 0.015 mm से डिक्रीज करता है। तो पॉइजन्स रेशियो ऑफ द रॉड मटेरियल पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है डेलिल दिया हुआ है, डेली दिया हुआ है, तो हमको पता है पॉइजन रेशियो क्या होता है, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डाया डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डाया, और लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। इससे हमको पता चल गया म्यू बराबर 0.3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक स्टील ट्यूब है जो कि जिसका कि सारा फेस फ्री टू डिफॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर में भी बोल रहा था कि सबसे पहले आपको ये इस टाइप के थर्मल स्ट्रेस की कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इस टाइप ये पढ़ लेना है कि क्या फेसेस कन्फाइंड है या फ्री है। अगर फ्री होगा तो कोई स्पेस ही नहीं डेवलप होगा मेरे भाई, क्योंकि वो तो फ्री है, कोई असिस्ट ही नहीं करेगा उसके एक्सपेंशन को, तो उसमें स्पेस कहाँ से आएगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में फ्री है, फ्री टू डिफॉर्म है, और पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कितना डेवलप होगा क्यू पे। अगर फ्री है तो उस केस में जीरो आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्री है तो कोई स्ट्रेस डेवलप होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी ही नहीं, तो मेरा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था कि फेस जो है फ्री टू डिफॉर्म है, इसी कारण थर्मल स्ट्रेस जो है जीरो हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई थी और इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमको प्लेन स्ट्रेस का मानना है, एजम्पशन मानना है प्लेन स्ट्रेस का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वाई और एक्स प्लेन में स्टेट ऑफ स्ट्रेस का कंडीशन है, तो हम पहले ही बताए हैं कि जहाँ भी प्लेन स्ट्रेस है इसका मतलब ये हो गया कि बस दो ही डायरेक्शन में होंगे, वाई और एक्स में है, तो मतलब कि जेड डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो। तो जेड डायरेक्शन में हम क्या होगा, जीरो। तो इसी का नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन विल बी जीरो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में ये है कि पॉइजन रेशियो दी हुई है एक इलास्टिक मटेरियल की जिसकी की 0.4 है। पूछ रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग्स मॉडुलस का रेशियो कितना होगा। जैसा कि मैं इसका रिलेशन बता दी पहले ही दे चुका हूँ कि E इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू होता है, और ये पूछ रहे हैं जी बाई ई का रेशियो। तो जी बाई ई क्या हो गया, 1 प्लस म्यू हो गया, यहाँ से म्यू का वैल्यू दिए हुए थे, यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकाले, यहाँ से आया 0.3571। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर एन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड इज। तो जैसा कि ये भी मैं लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था क्वेश्चन कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी दो प्रॉपर्टी अगर हमको पता हो होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, तो और दो जो है उनको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तीन रिलेशनशिप हैं और चार अननोन है, तो कोई दो पता हो तो तीसरा निकाल लेंगे, चौथा भी निकाल सकते हैं। तो कितनी होगी, मेरे पास दो ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि
मालूम होनी चाहिए आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस मटेरियल के लिए। अगर वही ऑर्थोट्रॉपिक के लिए हो तो मेरे को कितना चाहिए 9, अगर एनआइसोट्रॉपिक के लिए हो तो कितना चाहिए 21। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका 2। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस दी हुई है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दी हुई है, टॉ एक्स वाई दी हुई है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस उस पॉइंट पे कितनी होगी। तो मेरे को सिग्मा वन की फॉर्मूला पता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, यहाँ से मेरे को पता चला है सिग्मा वन हो गया 8.433 मेगा पास्कल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 2 mm लॉन्ग है जिसका कि एक 2 mm लॉन्ग रॉड है जो कि स्ट्रेस फ्री है और 2 immovable rigid walls के बीच में है, फिक्स किया हुआ है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इमूवेबल रिजिड वॉल्स के बीच में है, मतलब कि फ्री टू एक्सपैंड नहीं है, मतलब थर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होगी, और अल्फा दी हुई है, ई दी हुई है, टेम्परेचर 250 डिग्री से रेज किया गया है, तो पूछ रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी। तो थर्मल स्ट्रेस कितनी होती है अगर हीट करें तो अल्फा टी ई होती है, अगर दोनों इमूवेबल रिजिड वॉल के बीच में कोई रॉड को फिक्स कर दिया गया है तो अल्फा टी होती है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जिस क्वेश्चन में अल्फा भी दी हुई है, टी भी दी हुई है, टी होता है कितना टेम्परेचर से रेज की है, ई दिया हुआ मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों इस आपको सॉल्व किया, यहाँ से पता चला कि थर्मल स्ट्रेस जो है 500 मेगा पास्कल आ गया। अगला क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है जो कि यूनि एक्सियल लोड को सब्जेक्टेड है इलास्टिक लिमिट के अंदर, और चेंज इन स्ट्रेस दिया हुआ है, चेंज इन स्ट्रेन दिया हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि, और पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेन म्यू दी हुई है, तो चेंज इन स्ट्रेस बाई चेंज इन स्ट्रेन कर दे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया 200 गीगा पास्कल, और हमको ई जी और म्यू के बीच में रेशियो पता है, ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू होता है, यहाँ से हम जी निकाल लिया, जी का वैल्यू आ गया 76.92 गीगा पास्कल। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमको कोई बॉडी है जिसमें कि एक पॉइंट है, सॉलिड बॉडी है जिसमें कि एक पॉइंट है जिसका कि प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 दी हुई है, और यील्ड स्ट्रेस मटेरियल की दी हुई है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 failure theory से निकाला गया है, एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जिसको कि गेस्ट एंड टेस्ट का थ्योरी भी बोलते हैं, और एक 1 misses theory के अकॉर्डिंग निकाला गया जिसको कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं। तो दोनों के फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या रिलेशनशिप होगी, तो दोनों को इस हम कंसीडर करते हैं। पहले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है क्या होता है, हाफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू एस बाई टी बाई 2 एन। इसको सॉल्व किया, यहाँ से मेरे को पता चला कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी एन टी जो आ गया वो 2 आ गया। 1 misses theory के अकॉर्डिंग जो मेरा फेल्योर क्राइटेरियन ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हूँ क्या होता है, ये होता है। अब इससे सॉल्व किया, यहाँ से पता चला एन वी बराबर आया 2, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया एन टी इज इक्वल टू एन वी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों केस में इक्वल आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक शाफ्ट है जिसका कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जो कि प्योर ट्विस्टिंग को सब्जेक्टेड है, तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोर सर्कल इसका कैसा बनेगा, प्योर शियर स्ट्रेस को सब्जेक्टेड है, प्योर टॉर्शन को सब्जेक्टेड है, तो एक सर्कल बनेगा जिसका कि ओरिजिन, जिसका कि सेंटर ओरिजिन पे होगा, और इस केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, जो मिनिमम शियर स्ट्रेस होता है, जो दोनों टॉ के बराबर होता है, तो पूछ रहे हैं टॉ मैक्स बाई सिग्मा 1 का रेशियो पूछे तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बहुत लड़के गलती किए थे, इसमें बस ये था कि फिगर को इंक्लाइन करके दे दिया गया था, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो गए थे। जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि ये बॉडी है जिसमें कि एक डायरेक्शन में टेंसाइल लग रहा है, दूसरे डायरेक्शन में कंप्रेसिव लग रहा है, और दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, तो ऐसा केस कब होता है, आप इसका मोर सर्कल बना, मोर सर्कल कैसे बनेगा, मोर सर्कल इस टाइप से बनेगा कि एक पी है, एक जो पी है प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये माइनस पी जो है कंप्रेसिव है, ये टेंसाइल है, दोनों प्रिंसिपल ही है, लेकिन एक सिग्मा 1 एक सिग्मा 2 है, और इसका ओरिजिन कहाँ पे हो गया, इसका सेंटर कहाँ पे हो गया, सर्कल का ओरिजिन पे हो गया, सेंटर हो गया ओरिजिन पे, और तो ऐसा सर्कल कब बनता है मोर सर्कल, जब प्योर टॉर्शन हो, प्योर टॉर्शन हो मतलब क्या, सिर्फ अगर जैसा कि क्वेश्चन में है कि 2 equal एंड अपोजिट स्ट्रेसेस लग रहे थे, तो इसका बन गया सर्कल, मोर सर्कल बन गया सिमिलर टू द प्योर टॉर्शन, तो प्योर टॉर्शन में मेरा जो होता है टॉ कितना होता है, टॉ जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर ही होता है, तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाना चाहिए, टॉ इज इक्वल टू पी हो गया, और उस प्लेन में जैसा कि प्योर शियर स्ट्रेस का प्लेन है, तो प्योर शियर स्ट्रेस में क्या होता है, सिग्मा एक्स 0 हो जाता है, सिग्मा वाई वाई 0 हो जाता है, प्योर टॉर्शन हो तो सिग्मा एक्स 0 होता है ना, सिग्मा वाई वाई 0 होता है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया था कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था, तो यहाँ पे टॉ एक्स एक्स वाई क्या है, टॉ एक्स एक्स क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है,
इसी को 45 डिग्री वाले प्लेन पे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि थीटा बराबर 45 डिग्री पे हमको देखना था, तो गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस का कंडीशन क्या है? ये वाला है। यहां से हमको 90 डिग्री देखना पड़ेगा मोर सर्कल पे, क्योंकि 2 थीटा पे देखते हैं, तो 90 डिग्री पे हम देखें यहाँ पे क्या हो, सिर्फ सियर स्ट्रेस है। तो सिर्फ सियर स्ट्रेस मतलब टॉ जो है पी के बराबर हो गया, टॉ एक्स एक्स और टॉ वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब कि दोनों नॉर्मल स्ट्रेस 0 है लेकिन सियर स्ट्रेस सिर्फ प्रेजेंट है, 0 0 पी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस किसको रेफर करता है? तो ऑब्वियस ही बात है, मैक्सिमम स्ट्रेस को रेफर करता है। इसका ग्राफ हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, लास्ट लेक्चर में ये देखे थे कि अलग अलग पॉइंट था, अलग अलग का नाम बता देता हूँ। पी जो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, ई जो क्यू जो होता है वो है इलास्टिक लिमिट, आर जो होता है अपर यील्ड पॉइंट, एस जो होता है लोअर यील्ड पॉइंट, और टी जो होता है मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, यही तो मैक्सिमम स्ट्रेस है। यू जो होता है उसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, पी जो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट जहाँ तक कि हुक्स लॉ फॉलो होता है, ई जो होता है क्यू जो होता है इलास्टिक लिमिट जहाँ तक कि मटेरियल रिकवर कर लेता है जितना भी स्ट्रेन दिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि पॉइजन रेशियो पूछ रहे हैं परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए, तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए पूछ रहे हैं। तो जैसा कि मेरे को पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि मटेरियल इनकम्प्रेसिबल है मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो गया मतलब कि 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया यहाँ से पता चला म्यू बराबर 0.5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक इन अ मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन व्हेन द मटेरियल हैज जस्ट स्टार्टेड यील्डिंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा वन सिग्मा टू दिए हुए थे, सिग्मा थ्री भी दी हुई है, और वन मिसेस थ्योरी के अकॉर्डिंग यील्ड स्ट्रेस निकालनी है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वन मिसेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है फेलियर क्राइटेरियन, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 SYT/N का होल स्क्वायर, ये होता है फेलियर क्राइटेरियन वन मिसेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, एन इक्वल टू 1 मान लिए, यहाँ से SYT को सॉल्व किया, SYT का वैल्यू निकाले, यहाँ से आया 245.76 MPa। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी, इस क्वेश्चन में बहुत लड़के बहुत सिली मिस्टेक होने के चांसेस है। इस क्वेश्चन में ये था कि एक रेक्टेंगुलर टाइप का सॉलिड था, प्लेन स्ट्रेन था, मतलब कि एक्स और वाई मतलब बस कोई भी दो डायरेक्शन में स्ट्रेन थे, और अनडिफॉर्म्ड रेक्टेंगल की जो है हमको कोऑर्डिनेट दी हुई थी, पी क्यू एस की कोऑर्डिनेट दी हुई थी, और रेक्टेंगल जो सब्जेक्टेड था एक्स डायरेक्शन में इतनी स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन में इतनी स्ट्रेन, और सीयर स्ट्रेन एक्स वाई डायरेक्शन में इतनी थी। तो आपको बताना था कि द डिफॉर्म्ड लेंथ ऑफ द इलोंगेटेड डायगनल, ये बताना था कि डिफॉर्म्ड लेंथ ऑफ द इलोंगेटेड डायगनल, ये बतानी है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को ये सॉल्व करेंगे कि जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्यू का दिया हुआ है, और एस का दिया हुआ है, तो मान लिए जो एक और जो पॉइंट है वो आर है, उसका कोऑर्डिनेट तो पता है हमको, निकाल लिए। अब एक्स एप्सिलॉन वाई वाई गामा एक्स वाई दिया हुआ था, तो पी क्यू का लेंथ हम डायगोनल तो निकाल लिए ना, रेक्टेंगल का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 5। अब ट्रायंगल पी आर क्यू से हम लोग थीटा जो एंगल है उसको निकाल सकते हैं, थीटा एंगल आया 36.869 डिग्री। अब मैक्स नॉर्मल स्ट्रेस एट एन एंगल थीटा कितना कैसे दिया जाता है, इक्वेशन होता है उसका क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, आज ही बताया हूँ कि सिग्मा एक्स को कैसे रिप्लेस कर देना है स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन एक्स से, सिग्मा वाई को एप्सिलॉन वाई से, गामा एक्स वाई को गामा एक्स वाई बाई टू से, बस सीयर जो रहेगा सीयर स्ट्रेस को सीयर स्ट्रेन बाई टू से रिप्लेस करना है, और जो भी नॉर्मल स्ट्रेस है उसको उसके नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्लेस कर देना है। मैंने इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी जो कि मैं यहाँ पे किया, और जो भी वैल्यू दिए हैं उसको पुट कर दिया, और मैं निकाला यहाँ से आया मेरे को एप्सिलॉन थीटा इज इक्वल टू 36.869 डिग्री पे, जो मेरा इप्सिलॉन आया डायगोनल के लॉन्ग वो जो आया मेरा आया 0.00279। तो ये जो है स्ट्रेन है। तो बहुत सारे लड़के क्या किए हैं कि यही आंसर मार दिया, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ मान लीजिए कि डेल पी हुआ, इस डायगोनल का जो है डेल पी क्यू हुआ चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी है पी क्यू है, पी क्यू कितनी है ओरिजिनल लेंथ डायगोनल की 5 है, 5 को मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो चेंज इन लेंथ हमको पता चल गई, चेंज इन लेंथ कितनी है 0.01399 यूनिट, क्योंकि डायमेंशन नहीं दी हुई थी तो यूनिट में ही मान लिया, इतना यूनिट हो गया। अब मेरे को पूछा हुआ था कि डिफॉर्म लेंथ, बहुत सारे लड़के मैं बोल रहा हूँ अरे 97% स्टूडेंट यहीं पे गलती कर दिए थे, सबको निकाल लिया डेल पी क्यू निकाल लिया, डेल पी क्यू को यही आंसर मार के आ गया 0.01399।
यहाँ तक कि मैं भी यही आंसर मान के आया था, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि डिफॉर्म्ड लेंथ आपको बतानी थी, डिफॉर्म लेंथ क्या हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन द लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है 5, प्लस चेंज इन द लेंथ कितनी हो गई 0.013, तो कितनी हो गई 5.0139 यूनिट हो गई। अब इसका रेंज जो दिया हुआ था 5.013 से लेके 5.015 के बीच में रेंज दिया हुआ था। मेरी ने इसका आंसर दिया हुआ है 5.015, क्योंकि वो जो थीटा लिए हैं वो थीटा यहाँ से लिए हैं। लेकिन जैसा कि मैं और कोई टेक्स्ट बुक में देखा हूँ मैं एक, तो वहाँ पे जो एंगल लिया जाता है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में दिया जाता है, इसी कारण मैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हूँ, और इसी कारण मेरा जो हो जाएगा ये डिफॉर्म जो लेंथ हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 5.013, जो कि सही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये था कि सिग्मा एक्स दी हुई थी, टॉ एक्स वाई दी हुई थी और सिग्मा वाई की वैल्यू निकालनी थी, और उस केस में एक मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई थी। तो हमको पता है कि मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू कैसे होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। मैं सब कुछ का वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद से यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन आया, यहाँ से मैं इसको सॉल्व किया, इसको मैं लेफ्ट साइड में ले गया, लेफ्ट साइड में ले गया तो मेरा ये हो गया, यहाँ से इसको सॉल्व किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद से सॉल्व किया, इसका मेरा वैल्यू आया सिग्मा वाई का वैल्यू आ गया 37.778 किलो पास्कल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।